Namaskar, a very warm welcome to all of you. Joining you today, I am Nupakul Shroesht. I extend my warm greetings to those tuning into eVidya channel number 12. And this is our interactive teaching, learning, interactive interventions for inclusive classroom sessions. And today's topic is therapeutic approaches. We have with us Sign Language Interpreter Aniket. Welcome Aniket. And to discuss about this topic, we are joined by Vidhyana, PGT, Psychology. Welcome, ma'am. Good afternoon. And viewers, if you have any query related to our topic, you can mail us on our mail ID. That is dth.class12 at ciet.nic.in. And also, you can call us on our toll-free number. The number is 8800 and before I start this session, I have an important announcement to make, and that is we are proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of vasudhaiva kutumbakam or the world is one family now let's get back to our topic that is therapeutic approaches and uh, here we will start with our first question that is what are the therapeutic approaches and ma'am why do we need them therapeutic approaches is basically a voluntary relationship

थर्ड है जो भी हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव ग्रोथ है कि हम अपना कैसे बेस्ट अचीव कर सकते हैं लाइफ में वो अचीव करना नेक्स्ट है अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करना जहां रॉन्ग कंडीशनिंग है या हम हैबिट्स गलत हो गई हैं उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न्स समथिंग सिमिलर अपने जो हमारा सोच है थॉट प्रोसेस है उसमें चेंजेस लाना अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशंस ये एक ऐसा ब्रॉड कैटेगरी है जहाँ मोस्टली जो क्लाइंट्स uh, हैं जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो अपने रिलेशनशिप्स में इफ़ेक्ट होता है उनका कम्युनिकेशन में इफ़ेक्ट्स आते हैं तो इट इज़ टू इम्प्रूव दैट नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग कि वो आपको इतना इफेक्टिव कर दें कि आप अपने डिसीजन लाइफ के खुद ले सकें किसी और पर डिपेंड करने के बजाय नेक्स्ट इज़ बिकमिंग अवेयर ऑफ वन चॉइस इन लाइफ आपके पास क्या क्या चॉइसेस है बहुत बार होता है हम खुद नहीं डिसाइड कर पाते कि हम जिंदगी में चाहते क्या हैं तो साइकोथेरेपी से इट बिकम्स ईजी लास्ट इज अपना जो सोशल एनवायरनमेंट है हमारा उसके बारे में क्रिएटिव अवेयरनेस या अपने बारे में हम अपने इन्वायरमेंट से कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ये बेसिक गोल्स होते हैं साइकोथेरेपी के तो किस तरीके से आप कोप अप कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के साथ ये आपको सिखाता है साइकोथेरेपी और हेल्प exactly. करता है exactly. yeah. तो जिस तरीके से हम साइकोथेरेपी के बारे में आज बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट साइकोथेरेपीज हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओके मोस्टली साइकोथेरेपीज जो हैं वो तीन उसमें डिवाइड की जाती हैं बेसिक जो ग्रेड ट्वेल्व के लेवल पे है पहला है साइको दूसरा है बिहेवियर तीसरा है एग्जिस्टेंशियल अब तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं साइको हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन है, है जिसमें जो क्लाइंट है वो अपने मन की बात कर रहा है जो भी उसके ख्याल हैं ड्रीम्स हैं या ड्रीम सिर्फ जो फ्यूचर के लिए नहीं है इवन जो उसको रात को सपने आते हैं उनके बारे में डिस्कशंस करके थेरेपिस्ट हेल्प करता है कि उनका जो इशू है वो क्या है बिहेवियर में हम जो बोलते है, है. हैं कंडीशनिंग है फॉल्टी वायरिंग है कंडीशनिंग में हम बोलते हैं हमने गलत चीज़ें सीखी हैं लर्निंग गलत है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे हमें गलत आदतें हो गई हैं तो बिहेवियर थेरेपी उसमें हेल्प करता है एग्जिस्टेंशियल में थोड़ा डिफरेंस है जैसे साइको और बिहेवियर में थेरेपिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन सेंस कि थेरेपिस्ट बताता है क्लाइंट को कि क्या करना है वेर एज एग्जिस्टेंशियल में ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर आ जाता है उसमें क्लाइंट प्रायोरिटी हो जाती है उसमें क्लाइंट बताता है कि अच्छा मुझे क्या करना है जो थेरेपिस्ट है वो एक मीडियम uh, बन जाता है वो थेरेपी में हेल्प करने के लिए राइट right. तो जैसे कि हमने बात की एज वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्री डिफरेंट थेरेपीज दैट आर साइकोडायनामिक बिहेवियर एंड एग्जेंशियल थेरेपीज राइट तो हेयर आई वॉन्ट टू नो कि वट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज थेरेपीज ओके हम एक एक करके लेते हैं जी पहला है साइकोडायनामिक साइटो साइको डायनेमिक का जो बेसिक कॉज फैक्टर है कि क्यों हम साइकोडायनामिक थेरेपी ले रहे हैं वो है कि इंट्रा साइकिक या इंट्रा मतलब हमारे अपने इश्यूज़ हैं जो दिमाग में उसके कारण है उसका कॉज क्या है मोस्टली जो हम बोलते हैं रीजंस हैं कि क्यों साइकोथेरेपी लेनी पड़ रही है साइको वो है कि अनरिजोल्व इश्यूज़ हैं बचपन की कोई प्रॉब्लम्स हैं एनी टू डू विथ चाइल्ड राइट right. उसमें मेथड क्या है ट्रीटमेंट का फ्री एसोसिएशन है जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो क्लाइंट है वो अपने थॉट्स ड्रीम्स फ्रीली अपने थेरेपिस्ट को बता रहा है बिना किसी जजमेंट के मतलब जो थेरेपिस्ट है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं आपसे बड़ा हूँ या मैं आपको जज करूँगा या मैं आपकी प्रॉब्लम्स के कारणों की खली उड़ाऊँगा मजाक उड़ाऊँगा या उसके पीछे गलत मीनिंग्स ढूंढूँगा जो थेरेपिस्ट है वो एक ओपन जरिया बनता है कि क्लाइंट उसके मन में जो कुछ भी है वो आके आपसे शेयर कर सके नेक्स्ट क्या है इसमें इमोशनल इंसाइट क्या होता है बेनिफिट क्या है साइकोडायनामिक थेरेपी का क्लाइंट के लिए जब वो अपनी सारी चीज़ें थेरेपिस्ट को बता रहा है जो भी उसके मन में है उससे थेरेपिस्ट हेल्प करता है क्लाइंट को समझने में कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका बेसिक रीज़न क्या है जो उन्होंने सपने बताए हैं जो अपने थाट्स बताए हैं वो आ रहे हैं तो रीज़न क्यों है तो वो जो रीज़न एक बार जब मालूम हो पड़ गया तो क्लाइंट है वो उस रीज़न के को क्योर करने के लिए काम करता है तो बेसिकली आप अपने इमोशनली जो अनस्टेबल थाट्स हैं उसको आप मैनेज कर रहे हो अब साइकोथेरेपी थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्यों क्योंकि एक दो सेशंस में ये पॉसिबल नहीं है तो इसमें टेन फिफ्टीन सेशन से लेके टू इयर्स थ्री इयर्स तक ये चलता है तो ये सबसे लंबा थेरेपी का एक आ, वे है एक तरह से सबसे लंबा ट्रीटमेंट है ये

जो आपके फॉर एग्जाम्पल ओ अगर हम बोलते हैं दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसमें हम बार बार सफाई कर रहे हैं क्लीनिंग कर रहे हैं उसमें क्या है हमारी लर्निंग वैसी हो गई है कि हमको ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स तो वो क्या है वो लर्निंग में कहीं दिक्कत हो गई है आपके कग्नेशन में डिफ़िकल्टी हो गई है तो बिहेवियर में हम उस पर काम करते हैं बिहेवियर थेरेपी में इसका अगेन बेसिक कॉज क्या है फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स हैं गलत बिहेवियर है मॉल अरेप्टिव लर्निंग है ये सारों के कारण आपके जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें अगेन मेथड क्या है ट्रीटमेंट का आप क्लाइंट थेरेपिस्ट की हेल्प से सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि हमारी वो फॉल्टी लर्निंग कहाँ है वो गलत बिहेवियर कहाँ से शुरू हो रहा है या उसके कारण क्या हैं अच्छा अब वो बिहेवियर है या वो लर्निंग है उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव पैटर्न क्या ढूंढ सकते हैं अब हमें वोट्स पता चल गया तो अब उसके बेसिस पे हम अपना बिहेवियर कैसे इंप्रूव कर रहे हैं कैसे हम अपने बिहेवियर में चेंजेस कर रहे हैं इसमें भी जैसे रिलेशनशिप का मैंने आपको बताया थेरेपिस्ट थोड़ा सीनियर हो जाता है क्योंकि जो भी क्लाइंट कर रहा है वो थेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंदर कर रहा है जी जैसे साइकोडाइनमिक में है लेकिन जो पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न है या जो करेक्ट करना है पैटर्न वो कौन बताएगा कैसे करना है क्या तरीके होंगे वो थेरेपिस्ट बताएगा हम सजेस्ट करते हैं बिहेवियर थेरेपी में आप ऐसे करने की बजाय आप ऐसे करिए चीज़ें बेटर होंगी जिससे आपकी लाइफ ईजी होगी अल्टीमेटली करना वो क्लाइंट को है लेकिन एक थेरेपिस्ट जो वो एक तरह का टीचर बन गया बताने के लिए कि आप कैसे वो काम कर सकते हैं बेनिफिट क्या है बिहेवियर थेरेपी का क्लाइंट को जो फॉल्टी बिहेवियर है उसमें चेंज होगा आप मतलब बिहेवियर पॉजिटिव जाएगा आपकी जो फॉल्टी uh, कग्निशन है उसमें चेंजेस आएंगे हैंस आपका एक हेल्दी पैटर्न बनेगा थॉट्स का और बिहेवियर का मतलब जहाँ पे भी जिस भी डिसऑर्डर को लेके आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे आपके वो लर्निंग चेंजेस हो रहे हैं इसमें ड्यूरेशन क्या है इसी डिपेंड करता है किस डिसऑर्डर के लिए हम बिहेवियर थेरेपी ले रहे हैं सो इट कैन हैपन फ्रॉम फ्यू सेशंस लाइक अ वीक टू फ्यू मंथ्स तो ये यूजली चार पाँच छः महीने के अंदर ख़त्म हो जाती है राइट right. तो लास्ट वन है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बिहेवियर थेरेपी और साइकोडाइनमिक में कहाँ डिफरेंस आ गया एग्जिस्टेंशियल में क्लाइंट ने अपर हैंड ले लिया थेरेपिस्ट एक मीडियन बन गया एक जरिया बन गया अब इसमें क्या है बेसिक रीजन आपके जब अपने आप लाइफ डिसीजंस क्वेश्चन करते हैं कि मैं ऐसा हूँ मैं क्यों हूँ ये मैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है जब आप अपने बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इशू डिप्रेशन में ये बहुत देखा जाता है कि अच्छा मैं मुझ में ही कोई ख़राबी है मैं ही बुरा हूँ तो उसमें हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी लेते हैं क्यों क्योंकि हम एक हेल्प करते हैं क्लाइंट को पता करने के लिए कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है डिप्रेशन से पहले उन्होंने सोचा क्या था कि वो क्या चाहते थे ज़िंदगी से इसके कॉजेज़ क्या है लोनलीनेस आप कट गए हो दुनिया से अकेले हो गए हो सेंस ऑफ एलिनेशन जिसको बोलते हैं हम जो आज के टाइम में बहुत हो रही है ठीक है हम बोलते हैं हम यूज़लेस हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मैं हूँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से इन रीजन्स के कारण जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बोलते हैं उसके लिए आप एक्जिस्टेंशियल थेरेपी के लिए जाओ इसमें मेथड क्या है ट्रीटमेंट का हम पॉजिटिव थाट्स एक्स की बात कर रहे हैं इसमें हम बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओ आपको अपने बारे में आप जैसे हो आपको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना है आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना कि वो कैसा है बेसिकली आप अपने बारे में नॉन जजमेंटल हो रहे हो क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज में हम सोचते हैं कि हम ही में कोई ख़राबी है हम अपने आप को जज कर रहे हैं दूसरों से कंपेयर करके तो इसमें हम क्या कर रहे हैं वो नॉन जजमेंटल जो थिंकिंग है वो हटा के पॉजिटिव और एक्सेप्टिंग बिहेवियर क्लाइंट में ला रहे हैं इसका बेनिफिट और क्या होगा पर्सनल ग्रोथ है जो क्लाइंट की वो बेटर होगी जो क्लाइंट है वो रियलाइज़ कर पाएगा कि अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसका रीज़न ये है तो मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ उसी हमने यहाँ क्लाइंट को अपर हैंड दे दिया कि वो सोच रहा है कि अच्छा मैं ये खुद कर सकता हूँ मेरे लिए ये है तो okay. जो थेरेपिस्ट है वो एक सिर्फ फैसिलिटेटर है वो बस गाइड कर रहा है बाकी क्वेश्चन सोल्यूशन जो हैं वो सारा सिर्फ क्लाइंट खुद बता रहा है आपको थेरेपिस्ट सिर्फ गाइड कर रहा है कि आप कैसे सोच सकते हो उस वैसे

उससे क्या होता है क्लाइंट अपना जो नेचर है वो एक्सप्लोर कर पाता है वो थेरेपिस्ट के साथ सिक्योर फील करता है राइट right. कॉजेस का प्रॉब्लम ढूंढ रहा है तो थेरेपिस्ट एक स्टेज सेटर हो गया अच्छा आज आपको इतना अपने बारे में करना है इस वीक तक आपको अपने बारे में ये ये करना है तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है क्यों क्योंकि हमने क्लाइंट को अपर हैंड दे दिया उससे बेनिफिट क्या हो गया वैल्यूज़ जो हैं क्लाइंट की जो उसने अच्छे काम किए हैं जो अवेयरनेस है वो अपने बारे में बेटर हो रही है अगेन Uh, इसका जो टाइम पीरियड है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का वो बहुत ज़्यादा नहीं है वो रहता है अगेन कुछ वीक से लेके कुछ हाँ, महीनों तक डिपेंडिंग कि क्लाइंट का क्या लेवल है राइट right. तो इस थेरेपी में हम ये कह सकते हैं कि आप खुद ही अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं आप आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हाँ। है आपके थेरेपिस्ट के साथ बट हाँ। सारी के थ्रू आप अपने आप को ट्रीट, ट्रीट कर रहे हैं वही आप सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं जब आप एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बात करते हैं कि आप अपने बारे में क्या समझ सकते हैं उसको आप कैसे अपने आसपास की सिचुएशंस चाहे वो घर की हैं चाहे प्रोफेशनल हैं चाहे वो सोसाइटीज है उसको आप कैसे रिलेट करेंगे और कैसे उस पर आप काम करेंगे आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स मैनेज करोगे राइट सो वो यू थिंक आउट ऑफ दीज थ्री वी talked अबाउट behavioral psychodynamic एंड existential थेरेपीज which one is मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल अब हम किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते कि कौन सी बेटर है क्योंकि तीनों का जो हम बोल सकते हैं मापदंड हैं या तीनों के रीजनज हैं थेरेपी के वो अलग है साइको थेरेपी थेरेपी की जब हम बात करते हैं या बिहेवियर तीनों का जब हम कंपेरिजन करते हैं तो तीनों के कॉजेज क्या है कि क्यों वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है एक रीज़न उस पर बेस करता है आपका कि आप इन तीनों में से कौन सी थेरेपी चूज़ करोगे दूसरा है आपको अच्छा कॉज मालूम चल गया कि अच्छा ये कारण है वो कारण शुरू कहाँ से हुआ उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या था कि आप फॉर uh, एग्जांपल हम कई बार डर जाते हैं चीज़ों को देख के एक्शियस हो जाते हैं और वो बहुत बढ़ गया है लेकिन उसका आपको मालूम है कि अच्छा मुझे एंग्जाइटी हो रही है लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई अगर वो चाइल्डहुड का है तो हम बोलते हैं कि प्रेफर करो आप साइकोडायनामिक में क्यों क्योंकि आप उसमें बहुत पीछे तक जा रहे हो आप चालीस पचास साल के हो लेकिन दिक्कत आपको वो बचपन से है लेकिन वो शो अब हो रही है बिहेवियर में हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं कंडिशनिंग बेसिकली आपकी लर्निंग है लर्निंग और कंडीशनिंग में बहुत फ़र्क नहीं है तो जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं हम डिफ़िकल्ट लर्निंग्स या प्रॉब्लमेटिक लर्निंग्स की बात कर रहे हैं जैसे अगर हम बोले कि बच्चे कहीं नाखून चबाते हैं वो क्या है ये नहीं है कि वो बिहेवियरल इशू है वो लर्निंग में प्रॉब्लम है तो वो हम बिहेवियरल थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं एग्जिस्टेंशियल में जब हम अपने बारे में ही कन्फ्यूज़ हैं तो तीनों का रीजनज़ अलग हो गए लाइक वाइज तीनों का ट्रीटमेंट अलग है जैसे मैंने कहा आपको साइको में फ्री एसोसिएशन हम खुली छूट देते हैं क्लाइंट को कि वो कुछ भी बोल सकता है आपसे कोई किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकता है कोई प्रॉपर रूट नहीं है उसका कि अच्छा पहले आपको यही बोलना है बिहेवियर में हम ऑल्टरनेटिव बिहेवियर की ही बात कर रहे हैं फॉल्टी लर्निंग की ही बात कर रहे हैं और एग्जिस्टेंशियल में हम अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एक्सेप्टेंस हम कैसे हैं अपना इन्वायमेंट कैसा है तो उसमें थेरेप क्लाइंट जो है वो प्रॉब्लम्स तो बता रहा है लेकिन थेरेपिस्ट एज सच एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है जो वो साइकोडाइनमिक और बिहेवियरल थेरेपी में करता है तो और अगेन वैसे ही तीनों के बेसिस पे कॉजिज़ uh, के बेसिस पे साइको साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया साइकोडाइनेमिक में थेरेपिस्ट का अपर हैंड है बिहेवियरल में भी अपर हैंड है एग्जिस्टेंशियल में क्लाइंट का अपर हैंड हो गया बेनिफिट तीनों के डिफरेंट हैं साइकोडाइनेमिक में इमोशनल ग्रोथ है बिहेवियरल में बिहेवियरल ग्रोथ है और एग्जिस्टेंशियल में पर्सनल ग्रोथ है टाइम ड्यूरेशन अलग है तीनों का तो इट डिपेंड्स कि आपका बेसिक कॉज क्या है हम ये नहीं बोल सकते कि एक बेटर है दूसरा बेटर है वो पर्सन टू पर्सन जैसे हम मेडिसिन की बात करते हैं कोई मेडिसिन किसी को सूट करती है कोई मेडिसिन किसी को सूट करती है वैसे ही थेरेपीज पर्सन टू पर्सन और रीजन क्या है उसके कारण वो चेंज हो जाती हैं राइट तो जैसे कि हमने इन तीनों थेरेपीज़ की बात की इनके बारे में आपने हमें बताया और सिचुएशन भी अलग है उनकी डिमांड भी अलग है और तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है कि आप किस सिचुएशन के लिए आपको किस थेरेपी पे जाना है किस थेरेपी को चूज़ करना, करना।, करना है अप्रोच करना है लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं थेरोप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में लेकिन जो पहला अगर हम बात करें जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी तो वहाँ पर एक हेजिटेशन रहता है क्लाइंट का सबसे पहली बार अप्रोच करने में ट्रू तो वो अप्रोच कर रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहें uh, हम हमेशा बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी टीचर्स कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी एक बीमारी की तरह हैं जैसे आपको बुखार है आप मेडिसिन लेते हो hmm. आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा आप डॉक्टर के पास जाओगे hmm. वैसे ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है हाँ हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है लेकिन अब वो कम हो रहा है हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो भी ट्रीटेड लाइक डिजीजेस वो भी उनका भी ट्रीटमेंट है अगर आप बॉडी का ट्रीटमेंट करा रहे हो तो दिमाग का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा सकते हम राइट right. तो वो है लेकिन हाँ एक चीज़ है ये बहुत आ, हमारे आज के जनरेशन में या हम बोलें जनरल अवेयरनेस नहीं है कि हम अगर बात कर रहे हैं साइकोथेरेपी की हम क्या कर सकते हैं हम क्या सोच रहे हैं कि हमें साइकोथेरेपी की ज़रूरत है पहला हमको समझना है कि हमें प्रॉब्लम है सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस है कि हाँ हमें दिक्कत है तभी तो हम साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाएंगे दूसरा है अच्छा हमें अब पता है हमें प्रॉब्लम है दूसरा कि कौन सा एरिया टारगेट करना है जो so प्रॉब्लम है वो किस बेसिस पे है वो क्यों है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है या हमेशा ही वो किसी भी सिचुएशन में है थर्ड ऑफ़ कोर्स ये साइकोलॉजिस्ट की या साइकट्रिस्ट की हेल्प से होता है कि आप कौन सा टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट लोगे आप कौन सा थेरेपी चूज़ करोगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते एज क्लाइंट अगर मैं क्लाइंट हूँ मैं नहीं बोल सकती कि मुझे बिहेवियर थेरेपी ही चाहिए वो एक डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट ही आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपको क्या थेरेपी चाहिए राइट right. तो सारी थेरेपीज़ की हमने आज बात की और हम बात कर रहे हैं थेराप्यूटिक अप्रोचेस की कि वो कौन कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं तो तीन अप्रोचेस हैं जिसके बारे में आज हमने इस सेशन में डिस्कस किया है तो अब जब हमने इस सेशन के बारे में डिस्कस किया है इन थेरेपीज़ के बारे में हमने जान लिया है तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं कुछ कार्य भी है जो आपको करना होगा और वो भी हम विदिना जी से जान लेते हैं कि वो क्या है आज स्टूडेंट्स के लिए ओके मैंने होमवर्क बनाया है एक प्रॉपर आपका क्वेश्चन uh, क्या हैं आपके व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी क्या फैक्टर्स हैं क्या कॉजेज हैं जो आपको हेल्प करते हैं साइकोथेरेपी के हेल्प से हील करने में सेकेंड है डैश इज द केस इन विच द क्लाइंट आइडलाइजेज और फॉल्स इन लव विद द थेरेपिस्ट एंड सीक्स द थेरेपिस्ट अप्रूवल कौन सी चीज़ है वो ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस है या पॉजिटिव ट्रांसफरेंस है जिससे आप बोलते हैं कि थेरेपिस्ट जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट से अटैच हो जाता है मॉडिफाइड होमवर्क भी है हमारे पास जी मॉडिफाइड होमवर्क के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या है और आपको उसमें क्या करना होगा ओके मॉडिफाइड होमवर्क में है विच ऑफ़ द गिवन स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है पेशेंट वेरिएबल रेफर्स टू एट्रीब्यूटेड स्टेट्स ऑफ द क्लाइंट जो पेशेंट वेरिएबल है वो क्लाइंट की स्टेट्स को रेफर करता है या द क्वालिटी ऑफ थेरेप्यूटिक क्लाइंट हैज इट्स इंपॉर्टेंस जो थेरेप्यूटिक अलायंस है जो रिलेशनशिप है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में उसकी क्वालिटी की महत्वता है कि नहीं है ओके okay. और ये आपका होमवर्क है लेकिन इसके साथ ही आपको अपना होमवर्क सबमिट भी करना है तो हमारा एक सबमिशन फॉर्म है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है आपके जो स्क्रीन पर आ रहा है आप देख सकते हैं नेम ऑफ दी स्टूडेंट आपको अपना नाम लिखना है उसके बाद आप क्लास लिखेंगे ये ट्वेल्थ क्लास के है तो आप ट्वेल्थ लिखेंगे स्कूल नेम एंड एड्रेस जरूर लिखे और आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट एंड टीचर नेम जो कि आज के हमारे एक्सपर्ट हैं विदीना और आप उनका नाम लिख सकते हैं और डेट ऑफ द सेशन जो कि आज की है फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर आप वो लिख सकते हैं फोटोग्राफ अगर आपको लगता है कि आप अपलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए वो ऑप्शनल है और आपको इसको सबमिट करना है हमारी जो मेल आई है वो है डी टी एच डॉट क्लास ट्वेल्व एच सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन और आज हमने जो सेशन जिस पर हमने बात की है वो है थेराप्यूटिक अप्रोचेस तो अगर हम एक बार बात करें मैम तो हम एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं रिविजन कर सकते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा क्योंकि अप्रोचेज के बारे में हमने बात की तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए अपना होमवर्क अच्छे से करने के लिए बिल्कुल हमने आज बेसिकली किया है बिहेवियरिस्टिक थेरेपी साइकोडाइनमिक थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी उन तीनों में क्या डिफरेंस है क्या कॉजेज हैं किन किन कारणों से हम कोई भी उनमें से एक थेरेपी चूज करते हैं अगर हम एक चीज़ और बीच में ऐड कर सकते हैं तो वो है एथिक्स अब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो एथिक्स भी आ जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं या क्या बेसिक रूल है सिंपल रूल है कि आप किसी से कुछ भी कर रहे हैं उनकी परमिशन लेंगे पहले आप या आप उनको बताएंगे कि अच्छा आज हम ये करने वाले हैं जो भी एक क्लाइंट एक थेरेपिस्ट से बताता है वो एक कॉन्फिडेंशियल होता है वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकता एज अ थेरेपिस्ट गोल क्या रहता है हमारा हमने गोल्स डिस्कस किए थे बिगनिंग में उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि हमारा प्रायोरिटी है कि जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको कम करें उसकी लाइफ बेटर करें एक जो क्लाइंट और थेरेपी का थेरेप्यूटिक का या थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप है वो इम्पॉर्टेंट है मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट आप मजाक नहीं उड़ा सकते क्लाइंट का आप उनको जज नहीं कर सकते एक ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं वो सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं आती आई थिंक वो हर जगह आती है और एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की कोई भी नहीं बोल सकता कि अच्छा मैं थेरेपी दे दूंगा आपको यू हैव टू हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशंस फ़ॉर दैट एक स्किल्स हैं जैसे डॉक्टर आप हर किसी के पास मेडिसिन लेने नहीं जाओगे एम डॉक्टर्स के पास जाओगे लाइक वाइज साइकोलॉजिस्ट के लिए है ये बेसिक सी चीज़ें हैं जब हम थेरेपीज की बात करते हैं राइट और जब हम थेरेपीज की बात कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं कि हम इस सोसाइटी का पार्ट है हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे को समझें हम जरूरी नहीं है कि सिंपेथी दिखाएं लेकिन हम हर किसी के लिए एम्पैथी शो कर सकते एम्पैथी शो कर सकते हैं एग्जैक्टली एज इट इज हम जब बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग भागते हैं जी लेकिन अगर आप साइकोलॉजी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो भी बहुत इफ़ेक्ट है आप उसको अपनी डेली लाइफ में बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास हेल्प कर सकते हैं अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ा है आपने ज़्यादा ऑफ़ कोर्स अगर पढ़ा है आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है बेसिक तो है तो आप गाइड कर सकते हैं किसी को अगर ज़रूरत है उस फील्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एंड आई होप यू फाइंड दिस सेशन रियली हेल्पफुल एंड थैंक यू अनिकेत फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू विद जी फॉर जॉइनिंग अस आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड बिफोर आई लीव आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू मेक दैट इज रिलेटेड टू एन सी ई आर टी टेक्सट बुक्स एन सी ई आर टी टेक्सट बुक्स फॉर दिस सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर आर अवेलेबल throughout the country and you can directly purchase these textbooks from the sales counter located at New Delhi, Bangalore, Kolkata, Guwahati and Ahmedabad and uh, these sales counter functional from uh, timings are 9.30 to 6.00 pm and uh, you can also purchase these books on gazette's holidays including Saturdays and Sundays and if you want to, to purchase these books online you can visit our website ncertbooks.ncert.gov.in and if you want the pdf version of these books you can visit website e parshala diksha or ncert and also if you want to know more about our uh, authorized vendors you can visit our website ncert.nic.in with this note i'm Nupur shresth signing off take care namaskar